वेलकम टू माय चैनल द वाओ प्लेट। आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं अ रेसिपी टू सेलिब्रेट माय फेवरेट फेस्टिवल होली। यस, होली। होली खेलने का मजा तभी आता है जब घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हो। होली के दौरान ठंडाई हर जगह आपको मिलेगी, और अगर हम ठंडाई का मसाला पहले से ही बनाकर रख दे तो क्या बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं एक आसान सा बट अमेजिंग फ्लेवरफुल ठंडाई मसाला। तो देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अखरोट 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, पॉपी सीड यानी कि खसखस 4 टेबलस्पून, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर 10 से 12, बादाम 50 ग्राम, ड्राई रोज पेटल्स 1 टीस्पून, वाटरमेलन सीड 25 ग्राम, सौंफ यानी कि फेनल 2 टीस्पून, मस्कमेलन का सीड है 25 ग्राम, ग्रीन कार्डमम हमने लिया है 10 से 12, हरी इलायची, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर कॉर्न 10 से 12, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दालचीनी पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ये फ्लेवरफुल ठंडाई मसाला। तो अब हम बढ़ते हैं रोस्ट के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हमारे काजू, बादाम, अखरोट, वाटरमेलन सीड, मस्कमेलन सीड, और इन्हें हम बिल्कुल धीमी आंच में 2 मिनट के लिए हमें भून लेंगे। दो मिनट हमने इन्हें फ्राई कर लिया है बिल्कुल धीमी आंच पर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रोज पेटल्स, फेनल सीड, सौंफ, पॉपी सीड, खसखस, नटमेग पाउडर, ब्लैक पेपर कॉर्न और केसर। गैस हमारी बंद है अब, और हम इन्हें ऐसे ही चला लेंगे। अब हम इन्हें एक प्लेट में उतार लेते हैं। लास्ट में हम इलायची डाल देंगे। इलायची के छिलकों को हमने निकाल दिया है और उसके दाने को डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल के 4-5 मिनट के लिए हम इन्हें ठंडे कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने सबको ऐसे ही हवा में छोड़ दिया था। अब ये ठंडी हो चुकी है, और ठंडी होने की वजह से ये थोड़ी सी क्रिस्पी भी बन गई है। अच्छे से ये पीसेगी है। अब हम इन्हें निकाल देते हैं मिक्सी ग्राइंडर में। ठंडाई मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इन्हें क्लीन जार में भर लेंगे। जार हमारी भर गई है, और हम इन्हें अब बंद करके। तो फ्रेंड्स, ठंडाई मसाला बनके तैयार है। अब हम चलते हैं ठंडाई ड्रिंक बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ठंडाई बनाने के लिए हमें चाहिए ठंडाई मसाला 3 बड़े चम्मच, पिसी हुई मिश्री है ये 1.5 टेबलस्पून, ठंडी दूध चाहिए। यहाँ पर हमें दूध बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, तभी इसका मजा आएगा। पूरा दूध हम नहीं डालेंगे, 1/4 डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है।
अब बाकी का जितना दूध है एक ही बार में डाल देंगे और एक मिक्स कर लेंगे। फिर से हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ठंडाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे जार में पोर कर देंगे। ऊपर से हम थोड़ी सी और मसाला डाल देंगे। तो ये हमारी यम्मी सी ठंडाई बनके रेडी हो गई है। सर्व करने से पहले हम इसमें मिलाएंगे कुछ और केसर और इसे हम सर्व करें। आशा करती हूँ कि मेरी ये ठंडाई रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द वाओ प्लेट। स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक यू।